अस्सलाम वालेकुम। तमाम पाकिस्तान कुर्बानी लवर्स के मेंबर्स को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम एक दफ़ा दोबारा। कल रात आपको हमने बल्कि कल शाम हमने आपको शारिक भाई के जानवर दिखाए थे लाइव अनलोडिंग, और आज हम आप सबको रिजवान भाई जो के मामू भांजा कैटल फार्म के ओनर हैं, मोहम्मद रिजवान पटेल भाई जो के शौकीन सबसे पहले हैं, उनके जानवर घर पे अनलोड हो रहे हैं आज। और शो स्टॉपर बछड़ी इस साल की सबसे खूबसूरत सबसे प्यारी सूरजमुखी जो है वो आज अनलोड हो रही है मूना लीजा, और साथ में रिजवान भाई का जकूटा जिन और इनकी चिली मिली। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफत से जानवर आ ही गए। वालेकुम अस्सलाम अवैस यूसुफ, क्या हाल चाल है भाई। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद रजा। अच्छा भाइयों, सारे भाई जल्दी जल्दी से ज्वाइन करो और शेयर करना शुरू करो ताकि अनलोडिंग में मज़ा भी आए। आप सबकी खातिर देखें यहाँ तक पहुँचें कि आप लोग घर बैठे बैठे दिखाएं, और ख़ास तौर पर उन प्यारे भाइयों को जो इस ईद को इन्जॉय नहीं कर पा रहे मुल्क से बाहर हैं, उनके लिए ख़ास तौर पर आए हैं हम लोग। तो भाई जल्दी जल्दी से शेयर करो ताकि मज़ा आए सबको। भाई हाजिर आप लोग चेक करके बताने, क्या हाल चाल है भाई सब भाइयों के। जल्दी जल्दी है, हाँ रिजवान भाई का शौक देखो, अपने जानवर 2 साल बाद उतार रहे हैं अपने घर पे, और अपने मोहब्बत ने इन्होंने अपने जानवरों के लिए रेड कारपेट बिछाया है। रिजवान भाई शौकीन भरपूर हैं ये सबको पता है, लेकिन 2 साल बाद दोबारा ये घर पे शौक कर रहे हैं, क्योंकि 2 साल कुछ कैटल फार्म्स की जो है वो अपनी मसरूफियत के अंदर ये जानवर जल्दी नहीं उतार पाते थे, लेकिन इस साल इन्होंने वक्त से पहले अपने जानवर उतारे हैं दोबारा। वालेकुम अस्सलाम तनवीर अहमद फहीम, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हैं सब क्लियर है। माशाल्लाह माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम तनवीर अहमद फहीम भाई। वालेकुम अस्सलाम फैजान अहमद भाई जो के मलका है पर्वत और मिस यूनिवर्स इन्होंने अपने घर पे उतारी है, वीडियो पेज पे पड़ी है माशाल्लाह, आप सब जाके देख सकते हैं, बड़ा प्यार और कॉमेंट्स किए आपने उस वीडियो पे, क्या बात है भाई माशाल्लाह माशाल्लाह माहौल लग गया है भाई। वालेकुम अस्सलाम ख्वाजा कामरान भाई, और इसी के अंदर भाई मेरे ख्याल से पहले हम उतारने जा रहे हैं जकूटा जिन जो रिजवान भाई का गहना है इस साल का। वालेकुम अस्सलाम साकिब मुनीर, क्या हाल चाल हैं, ठीक ठाक हैं। आशा नहीं रुकरा ना है, चलो चलो जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वालेकुम अस्सलाम तौकीर अंसारी भाई, सालिम बेग भाई वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल हैं। सालिम बेग भाई का मूसा बेग एंड कैटल फार्म है, और इसमें एक जो है ना वो भाई खतरनाक बछड़ी मेरी भी है। वालेकुम अस्सलाम इब्राहिम शेख, इस साल मैं जो है वो रिजवान भाई के घर पे अपनी बछड़ी उतरवा रहा हूँ खाली, उसका रीज़न ये कि मेरी कुछ ज़रा जो है स्केड्यूल बहुत टफ है, तो मैं डायरेक्ट नहीं लेके जाऊँगा फार्म से, तो मैं रिजवान भाई की तरफ से जो है वो समझ लें यहीं से अपने घर पर जानवर ले जाऊँगा। वालेकुम अस्सलाम अलकामा मियां नूर भाई, क्या हाल चाल हैं, ठीक ठाक हैं भाई। डिस्को बेकरी के बिल्कुल बैक साइड पे है। वालेकुम अस्सलाम हमजा रफीक भाई, क्या हाल चाल हैं। ये सबसे बड़ी तबाही है भाई। वालेकुम अस्सलाम मून मुनीब भाई, हमजा रफीक भाई वालेकुम अस्सलाम, समीर दरबार वालेकुम अस्सलाम। कितने का मिला भाई, मेरे वेले खरीदे भी नहीं है, सारे पाले में रिजवान भाई के अपने जानवर। सालिम बेग भाई बस अल्लाह जाने कितने रखा भाई, मुझे नहीं पता इस बारे में यार। ख्वाजा भाई के क्या है, अच्छा ख्वाजा कामरान भाई के सनाउल्ला भाई के कुर्बानी एनिमल्स की लाइव वीडियो बनाए, सर इंशाल्लाह वहाँ भी जाएंगे, सनाउल्ला भाई के पास भी जाएंगे। सनाउल्ला भाई हमारे बहुत पुराने भाई शौकीन है माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन जो है ना वो इसकी हो रही है, अल्लाह खैर करे ये आगे वांगे ना चलाए बस।
सबसे पहले जकूटा जिन उतर रहा है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। रिजवान भाई का गहना इस साल का। वालेकुम अस्सलाम साथ कामरान भाई, क्या हाल चाल है? लेके जाओ लेके जाओ अंदर। कहाँ लेके जाना है? अंदर अंदर ले जाओ ले जाओ ले जाओ भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह खैर करे, रेड कारपेट इन्होंने बिछाया भाई अपने जानवरों के लिए। ये मोहब्बत है यार, ये अपने जानवरों से मोहब्बत है और कुछ भी नहीं। मोहल्ले में रश लगना शुरू हो गया भाई, लोग आना शुरू हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह यार, एक माहौल बनना शुरू हो गया है कुर्बानी का। अल्लाह ताला बस ये खैर आफियत रखे। अच्छा भाई, ये आप सबको बता दूँ क्योंकि रिजवान भाई ने लाइव सेशन में बता दिया था कि मेरी बछड़ी है इस साल की कुर्बानी की, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप सबको ये भी दिखा रहे हैं। दो बछड़ियाँ मैं हर साल अब कुर्बान करता हूँ, तो उसमें से एक ये है, एक मैंने फिब्बी गेडल फार्म से ली है। तो फिलहाल तो अभी आपको एक ये दिखा रहे हैं, ठीक है जी। और इंतहाई ख़तरनाक है भाई ये, इसका पता नहीं कंट्रोल से बाहर हुई भी है जी, बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हुई भी है। अल्लाह खैर करे, मुझे तो लग रहा है कोई सीन ना हो जाए भाई आज। बहुत शुक्रिया सालिम भाई, जजाक अल्लाह। नहीं जी, ख्वारी नहीं करते जानवरों के पीछे, बस एक शौक है। और हमारे ये रिजवान भाई हैं माऊ बांजा गेट फार्म के ओनर हैं, तो इनसे एक दिल लगी भी है, दोस्ती भी है, मोहब्बत भी है। तो बस इस सिलसिले में एक आपको दिखा वगैरह भी रहे हैं भाई, और कुछ भी नहीं। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, तमाम भाइयों को। दानिश दानिश कह रहे हैं भाई सलाम, बहुत शुक्रिया भाई। वालेकुम अस्सलाम खुर्रम शहजाद नूर भाई, नहीं अब तो आजकल तो आ ही रहे थे भाई। अच्छा इसको भाई बाद में अनलोड करते हैं क्योंकि ये कुछ तूफानी लग रही है आज, अल्लाह खैर करे। और इसको फ़िलहाल जो है ना, अभी जो प्लान आउट कर रहे हैं वो ये है कि गाड़ी डायरेक्ट जो है वो अंदर लगाई जाए और डायरेक्ट अंदर ही इस बछड़ी को उतार दें। खुदा ना खासा ये भागे भागे नहीं, वरना जिस चपाटर स्टाइल में ये हरकतें कर रही है ना, भागने वाली लग रही है मुझे आज। अदील खैर भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, आ गई है खैर आफियत। वालेकुम अस्सलाम आमिर हुसैन भाई, या अल्लाह या अल्लाह। रिजवान भाई कमी थी ना इधर भागने वाली बछड़ी की। ओ भाई शपाटर, अल्लाह खैर वाफियत उतारे भाई, अल्लाह ताला आसानी फरमाए, अल्लाह ताला आसानी फरमाए। मजाक अपनी जगह, लेकिन अभी सीरियस कुछ लग रहा है मुझे इसका, बिल्कुल ही आउट हो रही है ये भाई। माशाल्लाह काफ़ी लोग बांग्लादेश से देख रहे हैं। अच्छा जो जो लोग न्यू ज्वाइनिंग कर रहे हैं इस लाइव सेशन में, बताता चलूँ भाई जो ये लोकेशन है बहुत इजी है। डेस्को बेकरी आप सबने देखी होगी गुलशन इकबाल में, उसकी बैक साइड पर रिजवान भाई का घर है, तो इधर ही है भाई। सिंह फंसा लिया अपना, अल्लाह खैर करे। वालेकुम अस्सलाम अयान मलिक भाई। अच्छा भाई माजरत यार, जिन जिनको मैं कॉमेंट नहीं पढ़ पा रही क्योंकि थोड़ा सा ध्यान मेरा बछड़ी की तरफ था अभी। माशाल्लाह माशाल्लाह यार, ज़्यादा ही शपाटर हो रही है भाई, ऐसे दो तीन रस्सियाँ लगा के उतार पा शायद हैं। दो रस्सियाँ लगाई, एक लगी नहीं लगी। हाँ अल्लाह खैर अल्लाह खैर अल्लाह खैर। चलो भाई उधर उधर ही गई उधर ही गई, जंपे वंपे जंपे जंपे जंपे। ओए बेटा सही कह रहा है, रस्सी बांधो रस्सी बांध दे रस्सी बांध दे। अल्लाह खैर कर अल्लाह खैर कर, इनको दे दे इनको, अल्लाह खैर कर। क्या हो गया, समझ से बाहर है, बिल्कुल ही आउट हो रही है यार भाई। मैं सामने कहाँ से लेके जाऊँ, वहाँ पे यार जानवर है खुदा ना खासा, सो कोई लगे वगे नहीं है यार। ओए बांधे रस्सी बांधे रस्सी बांधे, अल्लाह
खैर करे, अल्लाह खैर करे। सबर सबर सबर, इधर ही बांध दो, सही है यार। भाई अल्लाह जाने वाजपेयी पतौड़ी को क्या हो गया, वाजपेयी भाई बिल्कुल आउट हो गया। भाई यही होता है भाई, पांच जानवर डर भी जाते हैं। गर्दी गर्दी मैदान भाई, असल में बछड़ी बहुत ज्यादा आउट हो रही है। बिल्कुल आउट हो रही है, इसकी यहाँ से रस्सी बांधने की कोशिश की जा रही है। बांध दो, अपने हिसाब से सही बांध रहे हैं लोग, सही बांध रहे हैं। बस रस्सा नहीं छोड़ना, बांध दो उधर ना, निकल जाएगा। अरे इसको बांध दो, इधर ही बनवा दे, ठंडी हो जाएगी। नहीं, मशवरे का बहुत शुक्रिया, मशवरे का बहुत शुक्रिया भाई, कह दो रहा हूँ। चलो भाई खैर, अल्लाह का शुक्र है, बन गई भाई खैरियत से। अभी देखो अंदर भी शपाटर बन कर रही है, अल्लाह खैर से करे। बस बस भाई, मेरी जिंदगी की पहली बछड़ी है जो उधर ही है। अल्लाह का शुक्र है भाई, बन गई। मैं लिटरली इस टाइम हल्का हल्का सा कांप भी रहा हूँ भाई, अल्लाह खैर करे, बस अल्लाह का शुक्र है, बगैर किसी नुकसान के उतर गई। अच्छा भाई, वो अब वक्त जो है वो है मोनालिसा का, और रिजवान भाई की एक चिली मिली घेनी बछड़ी है, वो भी उतरेगी इसमें। अभी मैं ये सोच रहा हूँ इस बछड़ी को दोबारा लेके हाँ लगाओ गाड़ी लगाओ आप। बांध दी भाई, बांध दी सब भाइयों को, बांध दी। अल्लाह खैरियत से जो है वो उतर गई है, बंद गई है, हो जाएगी ठंडी, हो जाएगी थोड़े टाइम में, अल्लाह आसानी करे भाई। अब भाई दूसरा जो मज़ा है वो इधर लगा रहे हैं रिजवान भाई का। अच्छा, इसके अंदर जो है रिजवान भाई की फेमस मोनालिसा जो इस साल की शो स्टॉपर बछड़ी है, सूरजमुखी बछड़ी है, आप सब ने बड़ी पसंद की है, बड़ा प्यार दिया है। और भाई आगे जाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इधर पीछे खुद आ रही है, ठीक है ना, गाड़ी पीछे ही आ रही है। और माशाल्लाह सूरजमुखी बछड़ी इस साल की सबसे क्लासी सूरजमुखी बछड़ी है माशाल्लाह ये। और सूरजमुखी बछड़ी का समझे एक जो असली सूरजमुखी होती है उसका ये है कि इसे दिन में दिखता नहीं है, तो अल्लाह खैर करे। इसको उतारने का मकसद भी शाम के टाइम इसलिए था कि इसको थोड़ा थोड़ा दिखे, बिल्कुल सनलाइट में इसको दिखता नहीं है। हमने इसका शूट वगैरह भी किया था, बड़ी हमें प्रॉब्लम हुई थी, ये थोड़ा सा जाके दीवार में एक दफ़ा लग भी गई थी इस तरह करके ना, तो बस खैरियत से अब कोशिश कर रहे हैं कि ठीक ठाक उतारें। पेशावर से देख रहे हैं ख्वाजा फैजान भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई, सूरजमुखी बछड़ी से उतरेगी इंशाल्लाह मोनालिसा, और एक चिली मिली है रिजवान भाई की घेनी बछड़ी इस साल की, वो उतरेगी। रिजवान भाई माशाल्लाह 2 साल बाद दोबारा से अपने घर पे शॉप कर रहे हैं। पिछले 2 सालों से काफ़ी लोग बोल रहे थे यार रिजवान भाई का लाइव नहीं कर रहे, तो उसकी सिर्फ वजह ये थी कि रिजवान भाई अपने कैटल फार्म की मसरूफियत उनकी कुछ ज़्यादा थी, तो वो घर पर वक्त पर नहीं उतार पा रहे थे। नहीं नहीं आमिर हुसैन भाई, मोनालिसा मेरे घर नहीं उतर रही, मेरी बछड़ी रिजवान भाई के घर उतरी आज, यहाँ से फिर मैं ले जाऊँगा अपने घर। प्राइस वगैरह कुछ भी नहीं आया आयान सिद्दीकी भाई, ये बकरा रिजवान भाई का अगले साल का है, ये भी इनकी अपनी कुर्बानी का ही है, लेकिन ये अगले साल के हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला नजरे बद से बचाए। छोटी वाली जदाक अल्लाह साहिब मिर्ज़ा भाई, बहुत शुक्रिया। UAE से हमजा अहमद देख रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम हसैन राव। FB एरिया से देख रहे हैं मैं उमर फारूक। नुमान इब्राहिम कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से देख रहा हूँ, पाकिस्तान की याद दिला दी आपने सर, जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। आप सब प्यारे भाइयों के लिए ही ये लाइव सेशन है, जो मोस्टली देख नहीं सकते अपने जानवर, या ये फेस्टिवल आप लोग बाहर से देख रहे होते हैं, बस आप सबके लिए सबसे पहले। वालेकुम अस्सलाम हसैन राव। ताह अख्तर भाई, यही मैं भी सोच रहा हूँ,
रिस्क लेंगे, ले जाएंगे, अल्लाह ताला ने यहाँ तक भी खैरियत से उतारी है, आगे भी ले ही जाएंगे इंशाल्लाह। अभी सेट हो गई है अंदर। इंडोनेशिया से मोहम्मद इरफान मुंशी देख रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम सब फातिमा, बस ये खैरियत से उतर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, बस प्यार मोहब्बत से आराम से। शाबाश शाबाश अजीत, इधर रोक अजीत, इधर रोक, ये भी भाग रही है भाई आज। बस बस मोनालिसा, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, रिजवान भाई की सूरजमुखी बछड़ी है मोनालिसा, माशाल्लाह माशाल्लाह यार, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, एक दफ़ा माशाल्लाह सारे भाई ज़रूर बोल दीजिएगा यार, अल्लाह ताला नजरे बद से बचाए। वालेकुम सलाम शेख सरफराज अली, माशाल्लाह। जाओ बांधने इसको अंदर ना, बांधो बांधो, अच्छा इधर बांधना है, अजीत ले जाओ अंदर जाके बांध, माशाल्लाह माशाल्लाह यार माशाल्लाह यार। वालेकुम अस्सलाम काशिफ अली खान भाई, आमीन सब फातिमा अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बिल्कुल ख्वाजा कामरान भाई, पतौड़ी के लिए कुछ ज़्यादा एक्सीलेंट काम हो गया, अन्ना छपाटरी भागने वाली थी, माशाल्लाह माशाल्लाह यार। वालेकुम अस्सलाम काशिफ अली खान भाई, आपको सलाम का जवाब बार बार दे रहा हूँ प्यारे भाई। वालेकुम अस्सलाम जमशेद यासीन भाई, अल्लाह ताला नजरे बद से बचाए भाई इनकी, और ये रिजवान भाई गहनी है भाई चिली मिली जो इस साल ये कुर्बान करेंगे, रिजवान भाई गहनियों के काफ़ी शौकीन हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, और ये सूरजमुखी बछड़ी है रिजवान भाई की इस साल की कुर्बानी की, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये हमारे अजीज़ भाई हैं, ये सूरजमुखी अगर कोई हैंडल कर सकता है तो वो सिर्फ हमारे अजीज़ भाई, बस फार्म भी अजीज़ भाई देखते हैं रिजवान भाई का, और ये बछड़ी भी हैंडल रिजवान भाई सिर्फ कर सकते हैं भाई, उसकी सिर्फ वजह ये है कि ये बछड़ी को दिखता नहीं है और ये बाकायदा अजीज के टच को पहचानती है भाई, इसीलिए अजीज ने इसको खुद उतारा है, वरना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको भी उतारना, क्योंकि ये भी इसको दिखता नहीं है तो एकदम से बस ये भागती है। उमरा खान जी डिस्को बेकरी के बिल्कुल बैक साइड पे है रिजवान भाई का घर, हमारे साथ अनस मुगल भाई हैं भाई माशाल्लाह दिलपसंद कैटल फार्म से, मशहूर है जमाना दिलपसंद कैटल फार्म, क्या चाल है अनस भाई, ठीक ठाक हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सैयद अजहर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हसनैन राव मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं आप ठीक हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला नजरे बद से बचाए भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह कमाल। इसकी इतनी लंबी रस्सी क्यों रखी हुई है अजीज? अच्छा अच्छा अच्छा। वालेकुम अस्सलाम तैमूर पाल भाई, कफील खान कह रहे हैं कमिंग आ जाएं जी, बुरहान भाई वालेकुम अस्सलाम पहले तो, और भाई इसमें कोई मसला नहीं है, आप अपने जानवरों के नाम रख सकते हैं जिस तरह के चाहें आप रख सकते हैं प्यारे भाई, कोई इसमें मसला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह नज़ भाई हम सब ठीक ठाक हैं, उम्मीद है भाई आप भी खैर वाफियत से होंगे। ज़कूटा कहाँ है? ज़कूटा अंदर भाई, वो भी दिखा देता हूँ एक दफ़ा, आप ये सब देख लें, सूरजमुखी बछड़ी रिजवान भाई की इस साल की माशाल्लाह शो स्टॉपर बछड़ी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी कम सूरजमुखी हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी में पली भी देखी हैं, एक इस साल आप ये देख लें, एक इंशाल्लाह अगले साल जो है वो बहुत एक बड़े कैटल फार्म से आएगी इंशाल्लाह, बहुत अच्छी बछड़ी है माशाल्लाह माशाल्लाह। सैयद शोएब अल हसन भाई वालेकुम अस्सलाम, कहाँ से लाइव है ये भाई? लाइव हम इस टाइम गुलशन इकबाल डिस्को बेकरी की बैक साइड से हैं और रिजवान भाई के घर से हैं भाई, ठीक है जी, ये वो आपको दिखा दीजिए, ये रही शपाटर बछड़ी और वहाँ पे है ज़कूटा जी, ज़कूटा जी रिजवान भाई का आपको ज़कूटा जिन भी दिखाते हैं, वो बिल्कुल मस्त है भाई, खेलता वेलता इन्जॉय करता है और अभी तो जाके बैठ भी गया सुकून से, बेटा देख के लाते वाते ना घुमाए अभी तुम्हें। नहीं नहीं अफू अफनान भाई, बछड़ी अंधी नहीं है, ये सूरजमुखी जैसे इंसानों में एल्बिनोज होते हैं ना, तो इसी तरह जानवरों में भी एल्बिनो होते हैं, तो इसमें ये होता है कि अल्लाह ताला की तरफ से कुदरत है बस, कि इनको सनलाइट के अंदर ना दिखता नहीं है और इनको तकलीफ होती है सूरज की शुआओं से ना, माशाल्लाह। ज़कूटा जिन रिजवान भाई की कुर्बानी का ये भी गहना है, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, मोरा या हो रहा है इसलिए नहीं डाला है, जानवर सिर्फ अनलोडिंग के लिए लाए हैं, अभी इंशाल्लाह तैयार होंगे जानवर, उसके बाद आपको मोरे वोरे सब दिखाएंगे, इस साल के रिजवान भाई के मोरे भी बड़े प्यारे हैं इंशाल्लाह, आप सबको दिखाएंगे भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। ज़कूटा जिन चली मिली
एरी दकूटा माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। और वो है जी सूरजमुखी मोनालिसा माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे प्यारे भाई हसनैन राव, अभी तो दिखाई है, पूरी दुनिया ने देखी है किस तरह तूफान मचाया उसने, बिल बतौड़ी ने। अभी तो दिखाइए प्यारे भाई, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह मोनालिसा माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम काशिफ हुसैन भाई। अच्छा भाइयों, तमाम भाइयों को लाइव दिखाया, सबने एंजॉय किया होगा उम्मीद है। किसी भाई से कोई जवाब ना दे सका हूँ तो बड़ी माजरत। आप सबके साथ बड़ा मज़ा आया आज के लाइव सेशन में। एक एक दफ़ा इस लाइव सेशन को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि जो लोग नहीं देख सके वो देख लें, और ख़ास तौर पे इसलिए शेयर करिएगा ताकि जो लोग मुल्क से बाहर हैं वो लोग ये लाइव सेशन देख सकें और ज़रा इन्जॉय भी कर सकें, ठीक है जी। इंशाल्लाह आप सब दुआ में याद रखिएगा, कोई बात गलत लगी हो तो बहुत माजरत। अल्लाह हाफिज़। वो बंडल मैंने उतार दिया एक छोटे रखे।